Hello everyone. Today we will study chapter 1st of English for MP board students class 10th. Class 10th ka pehla chapter English mein hai goodwill. Ye ek hymn hai. Hymn yani ek prarthna, ek geet jisse hum kisi se bhi kuch mang rahe hain. Kisi se matlab supreme power, bhagwan, ishwar, jisko bhi aap mante hain. To ye jo hymn hai hamari pehli wali, pehle chapter ki, ye li gayi hai yajurved se. यजुर्वेद चार वेदों में से एक है, उसमें से एक हाइम ली गई है जिसे ट्रांसलेट किया गया है और ट्रांसलेट कर उसको एक पोयम के फॉर्म में आपके सामने रखा हुआ है। तो पहले हम एक क्विक रीडिंग कर लेते हैं इस चैप्टर की, इसकी जो पोयम है उसकी लाइंस को रीड कर लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को रीड करने में भी दिक्कत आती है। एमपी बोर्ड में कई सालों से पढ़ाने के बाद ये समझ में आया, कई बच्चे ऐसे हैं जो कई सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं पर उन्हें रीडिंग में थोड़ी सी दिक्कत है। तो इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। मे दैट वाई विच वाइस मैन स्किलफुल इन रिचुअल and study in assemblies perform their tasks, that peerless spirit that lies in all creatures, may that mind resolve on what is good. ये हमारा पहला पैरा है उसका, या पहला स्टैंजा आप बोल सकते हैं। चार चार लाइन के इसमें स्टैंजा है। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड स्टैंजा। मे दैट विच इज डीप नॉलेज इंटेलेक्ट मेमोरी दैट विच इज द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स विदाउट विच नथिंग वट एवर इज डन। This is our second stanza, and finally moving to third stanza, हम देखेंगे, may that my mind resolve on what is good, may that which guides man like a good charioteer, who controls fleet-footed horses with the reins, that which abides in the heart most swift and active, may that my mind resolve on what is good. तो ये तो बच्चों हो गई एक quick reading, जिससे हमें पता पड़ जाए किसको क्या प्रोनंस करते हैं, क्योंकि कई बार प्रोनंसिएशन की भी दिक्कत आती है। आप जो प्रोनंस करते हो वही लिखते हो, कई बार हम स्पेलिंग भूल जाते हैं और हमें जो बोलना आ रहा है उसी हिसाब से स्पेलिंग लिखते हैं। अगर हम प्रोनंस गलत करेंगे तो स्पेलिंग भी गलत हो सकती है, इसलिए एक बार रीडिंग भी जरूरी है। अब इसे समझते हैं थोड़ा सा, इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको पहले ले लेते हैं, जैसे कि वाइस मैन। अब अगर उसका शाब्दिक मीनिंग देखें अलग चीज होती है। पोएम्स में एक तो ग्रामर मायने नहीं रखती, कई बार पोएट अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता, फीलिंग्स व्यक्त करना चाहता, तो कई बार मीनिंग अलग होता है अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें, और ग्रामर भी गलत होती है कई बार ऐसा लगता है, पर वो नहीं है। पोएम्स में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। तो जैसे वाइस मैन, बुद्धिमान आदमी, ये उसका शाब्दिक मीनिंग हो गया, पर यहाँ पर क्या है, बुजुर्ग बात, जो एज्ड हैं पर्सन हमारे, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनको यहाँ पे वाइसमैन बोल रहे हैं। स्किलफुल इन रिचुअल्स, स्किलफुल इन रिचुअल्स मतलब जो स्किल किसी भी चीज़ का बोलते हैं हुनर, वो अपने कामों में हुनरमंद हैं। कौन से कामों में, रिचुअल्स में, प्रथाओं में, परंपराओं में, और वो इतने स्किलफुल हैं कि एंड स्टडी इन असेंबलीज, मतलब वो क्या है, असेंबलीज यहाँ पे बोला गया है किसको, जो गैदरिंग होती है, जो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। कहाँ इकट्ठे होते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर, या हमारे घर में जब कोई कार्यक्रम होता है, जब कोई रिवाज किया जाता है, तो जब वो उन लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो असेंबलीज मतलब वो लोगों की गैदरिंग है। साथ ही परफॉर्म देयर टास्क, वो अपने काम कर रहे हैं। अब इसमें एक शब्द और है, पीयरलेस स्पिरिट। पीयरलेस, पीयरलेस का शाब्दिक अर्थ है अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, पर यहाँ पे हम पीयरलेस स्पिरिट उसको भी बोल सकते हैं जो हमारी आत्मा है, जिसको भेदा नहीं जा सकता, अभेद जो हम सभी में रहती है। और हम बात करें डीप नॉलेज, जो हमारे अंदर ज्ञान है उसको बोलते हैं डीप नॉलेज। इंटेलेक्ट, जो उस ज्ञान से हमें प्राप्त होता है जिससे हम अपने कार्य करते हैं, ज्ञान तो मिल गया अब उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, दैट इज इंटेलेक्ट। और मेमोरी मतलब हमारी याददाश्त नहीं, यहाँ पे मेमोरी मतलब उस चीज को हम कितना ज्यादा अपने अंदर जज्ब कर पाए हैं, कितना ज्यादा हम उसको समझ पाए, वो चीज यहाँ पर मेमोरी है। डेथलेस फ्लेम, अगेन डेथलेस फ्लेम जो है सोल, आत्मा के लिए फिर यूज किया गया है यहां पर। डेथलेस फ्लेम बता रहे हैं नॉलेज की, जो हर एक के अंदर है। वो कौन सी नॉलेज है, जो प्रभु सुप्रीम पावर हमें देती है, दैट इज द डेथलेस फ्लेम। मूविंग ऑन, हम देखते हैं कि इसमें और एक वर्ड माइंड बार बार यूज किया गया है, माइंड, माई माइंड रिजॉल्व इन वट इज गुड। तो माइंड क्या है, माइंड यहां पर मन, दिमाग, आत्मा, तीनों को दिखाता है अलग अलग रूप में। वो ये बताता है कि माइंड जो है, हमारे अंदर की जो सोल है वो हमें कंट्रोल करती है। चैरियोटर,
नेक्स्ट वर्ड है जो कि है सारथी। किसी भी टांगा जो आपने देखा होगा बचपन में, रथ जो टीवी सीरियल्स में देखते हैं, उनको कंट्रोल करने वाला, उन पे लगाम कसने वाला, जो आगे चलाने वाला होता है, उसे चैरियोटर बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में रथ को चैरियोट बोलते हैं। उसके बाद आता है एक वर्ड रेन्स, REINS, रेन्स। रेन्स का अगर आप बुक में भी मीनिंग देखेंगे तो आएगा ब्रॉड लेदर स्ट्रैप्स यूज टू कंट्रोल फ्लीट फुटेड हॉर्सेस, जो घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए चमड़े का चौड़ा पट्टा यूज होता है, उसे रेन्स बोलते हैं। और फ्लीट फुटेड हॉर्सेस, तेजी से दौड़ने वाले घोड़े। ये कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको इस चैप्टर में लगेंगे। नाउ अब हम इसको एक पोएट के नजर से, वो जो क्या बोलना चाहता है कि हमने वर्ड तो समझ लिए, लाइंस भी हमें समझ में आ जाएंगी, पर पोएट एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, ये बार बार एक ही चीज क्यों रिपीट कर रहा है। तो किसी भी पोएम की फीलिंग समझने के लिए हमें कुछ एक रेफरेंस चाहिए होता है। इस पोएम की फीलिंग समझने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा रेफरेंस है, जो कि है एक गीत या एक प्रार्थना जो हिंदी में है और सभी बच्चे जानते हैं। बचपन में अधिकतर बच्चों ने वो गीत गाया है। वो गीत है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे, भूल कर भी कोई भूल होना। तो उसी फीलिंग को अगर लेके आप इस चैप्टर को समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। कि अब चैप्टर को समझते हैं स्टैंजा बाय स्टैंजा। पहला स्टैंजा बोलता है कि जैसे वाइस मैन, जैसे बुजुर्ग लोग हमारे, वो अपने रिवाजों को बड़े ही अच्छी तरीके से पूरी भीड़, पूरी गैदरिंग के साथ में करते थे और उसमें कभी भी डगमगाते नहीं थे, स्टडी रहते थे, वैसे ही मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरा मस्तिष्क स्टडी रहे, स्थिर रहे और समय हमेशा और हमेशा उसी पर फोकस करे जो कि अच्छा है, जो कि गुड है। तो ये पहला स्टैंजा था। अब सेकंड स्टैंजा को देखते हैं। सेकंड स्टैंजा बात करता है डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट और मेमोरी के बारे में। तो ये कह रहा है कि जैसे डीप नॉलेज, जो अंदर का ज्ञान है, अंदरूनी ज्ञान है, डीप मतलब गहरा ज्ञान, अंदरूनी ज्ञान है, चतुराई है, होशियारी है, वो सब मेरे साथ रहे, वो सब मेरा साथ दें, मेरे मन में रहें और मैं उस पर फोकस करूं जो अच्छा है, जो गुड है। ये सेकंड स्टैंजा था। थर्ड स्टैंजा पे मुड़ते हैं हम। अब थर्ड स्टैंजा इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस, जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैंजा में से बहुत सारे आते हैं। तो थर्ड स्टैंजा में वो बोलते हैं कि जैसे फ्लीट फुटेड हॉर्सेस को चैरियोटर कंट्रोल करता है, वो ये कहना चाहता है कि जैसे फ्लीट फुटेड हॉर्सेस को चैरियोटर कंट्रोल करता है, वैसे ही मेरा मन भी मुझे कंट्रोल करे, मेरा मस्तिष्क, मेरा माइंड भी कंट्रोल करे गुड करने के लिए। अब ये जरूरी है कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो ये समझें कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है चैरियोटर का और माइंड का, दोनों को कंट्रोलर बोला गया है। कंट्रोलर मींस काबू करने वाला। अब ये क्या काबू कर रहा है? चैरियोटर तो सीधी सी बात है घोड़ों को काबू कर रहा है। चैरियोटर मतलब रथ चलाने वाला सारथी जो है वो घोड़ों को काबू कर रहा है। किससे? लगाम से। ऐसे ही जो हमारा मन है वो डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, पुराने रीति रिवाज जो हमारे पूर्वजों से मिले हैं, वो सारे ज्ञान के थ्रू हमारे मन को कंट्रोल करे, हमारे फ्लैशी डिज़ायर्स को कंट्रोल करे। अब ये फ्लैशी डिज़ायर वर्ड जो है कहीं भी इस चैप्टर में है नहीं, लिखा हुआ नहीं है, पर आपको आंसर में लिखना है। क्योंकि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में देखेंगे तो पोएम्स के एमपी बोर्ड में खासियत यह है कि पोएम्स के आंसर में वो वर्ड्स आते हैं बार बार जो पोएम में कहीं नहीं है, जो हमें डिड्यूस करने पड़ते हैं, जो हमें पता करने पड़ते हैं कहाँ से, जो ये पोएम है उसका पूरा समराइज करने के बाद, उसकी पूरी इंट्रोडक्शन समझने के बाद हमें कुछ वर्ड्स निकालने पड़ते हैं जो की वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे कंट्रोलर एक की वर्ड है, आपको कंट्रोलर बताना पड़ेगा जब भी आप आंसर्स लिखेंगे, कि अगर चैरियोटर और माइंड जो कंपेयर हैं वो एज अ कंट्रोलर कंपेयर हैं। जैसे चैरियोटर घोड़ों को कंट्रोल करता है, फ्लीट फुटेड हॉर्सेस को कंट्रोल करता है, माइंड फ्लैशी डिजायर्स को कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन आंसर लिखते टाइम दिक्कत ये आती है कि फ्लैशी डिजायर्स कैसे समझे, ये फ्लैशी डिजायर है क्या? फ्लैशी डिजायर कुछ नहीं, वही रोज के डिजायर हैं जो हमें आते हैं। जैसे सुबह सुबह स्कूल जाना है, मन करता है कि सोते रहे कौन स्कूल जाएगा। कईयों का होता है, कई बच्चे बड़े खुश भी होते हैं स्कूल जाने, पर कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार आज स्कूल नहीं जाना, पर उस टाइम फिर भी हम उठ के जाते हैं, अपना डेली वर्क करते हैं, नहाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो ये जो जिस टाइम आपको ख्याल आया था कि स्कूल नहीं जाना, वो आपका एक फ्लैशी डिजायर था। उसको कंट्रोल किसने किया?
माइंड ने कि नहीं यार, स्कूल में पढ़ना भी जरूरी है, तो वो चीज भी हमने देखी। नेक्स्ट, और इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं, एक ये बोला जाता है कि इसमें सोल का क्या मतलब है, डेथलेस फ्लेम जो है और अपनी सोल है उसको क्या बोल सकते हैं, तो उसका मतलब है जीव आत्मा। इंपॉर्टेंट वर्ड नोट कर लेना, जीव आत्मा, ठीक है। सोल, माइंड, डेथलेस फ्लेम, ये सारी की सारी चीजें यूज किस लिए की गई है, जीव आत्मा के नाम पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के बारे में। एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से आता है और कई बार वो आ चुका है बोर्ड में भी, गुडविल कैसे जनरेट करते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ गुडविल, या पोयम की समरी, उसमें कहीं भी वो जो लॉन्ग आंसर आप देखेंगे किसी भी मेरिट स्टूडेंट्स की, आप पुरानी परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन या जो भी बुक्स आती हैं उनमें से देखेंगे, तो वो कुछ अलग है पोयम से, क्योंकि उसमें आपको पोयम से समझकर अपने विचार लिखने हैं कि एक्चुअल में गुडविल है क्या। हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं गुडविल के बारे में, पर गुडविल है क्या। तो जब आंसर लिखने की बारी आती है तो पोयम समझना तो जरूरी है, पर साथ में कुछ पॉइंट और समझना भी जरूरी है। जैसे गुडविल मतलब अच्छी भावना, तो अच्छी भावना वाले व्यक्ति का कुछ कैरेक्टर के स्पेसिफिकेशन होते हैं, वो हमें इस आंसर में लिखने हैं। ऐसा व्यक्ति जो कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचता, कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करता, कभी किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करता, कभी दूसरे की सक्सेस पर जलता नहीं है, और जिसे दूसरे को बढ़ते देखकर खुशी होती है, जो हमेशा अपना ध्यान अच्छी चीजों पर लगाता है, जो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता है, वो आदमी, वो व्यक्ति या वो क्रिएचर भगवान की, गॉड की एक नोबल क्रिएशन है, और ऐसा व्यक्ति पायस होता है। अब यहां पर वर्ड पायस आया है, PIOUS, पायस मतलब प्योर, तो प्योर भी आप लिख सकते हैं, और आपको याद रहता है तो आप पायस भी लिख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति पायस क्रिएशन होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने आप ही गुडविल डेवलप कर लेता है, और ये हमारे सोसाइटी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज होती है। तो ये हम इसका लिख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर्स में मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ डिस्कस करने का है, पर फिर भी अगर शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर किसी में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कमेंट डाउन इन दिस वीडियो एंड आई विल श्योरली गेट टू इट, और आपको ये जरूर बताया जाएगा।